गुड मॉर्निंग बच्चों, नागरिक शास्त्र का चैप्टर समानता, इसका आगे का भाग हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि भारत में किस तरह की असमानताएं देखने के लिए मिलती हैं और उनको कम करने के लिए या उनको समाप्त करने के लिए सरकार ने समानता का मौलिक अधिकार भी बनाया हुआ है और दूसरे तरह के प्रयास भी सरकार करती है। लेकिन ये असमानता केवल भारत में ही देखने के लिए नहीं मिलती, ये असमानता और देशों में भी देखने के लिए मिलती है। तो हमारा हेडिंग है अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। संसार में बहुत सारे लोकतांत्रिक देश हैं भारत की तरह से, और वहाँ भी जो है समानता के लिए लोगों को बड़ी मात्रा में संघर्ष करना पड़ा है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका एक बहुत विकसित और बड़ा देश है, लेकिन वहाँ भी लोगों को समानता के लिए संघर्ष करना पड़ा। अफ्रीकी अमेरिकन लोग कौन हैं? अफ्रीकी अमेरिकन लोग वो हैं जो बहुत पहले अफ्रीका से काम कराने के लिए अमेरिकी लोगों के द्वारा लाए गए थे और उनको गुलामों की तरह रखा गया। ये लोग गुलाम के रूप में अमेरिका में ही बस गए और उनकी आने वाली पीढ़ियों को समानता के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उनके साथ में बहुत असमानता का व्यवहार और दुर्व्यवहार किया जाता था जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती थी। जैसे अफ्रीकी लोगों को अमेरिकन लोगों के साथ में अपने बच्चे पढ़ाने की आज़ादी नहीं थी, उनके लिए अलग से स्कूल बनाए जाते थे, उन स्कूलों की हालत अच्छी नहीं होती थी, बस में और दूसरी चीज़ों में वो अमेरिकन लोगों के साथ में नहीं सफ़र कर सकते थे। यानी कि श्वेत अश्वेत काले गोरे का डिफरेंस किया जाता था, रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। तो जैसे रोजा पार्कर एक अफ्रीकी अमेरिकन स्त्री थी, तो वो अपने जब काम से लौट रही थी 1955 में, तो वो एक गोरे व्यक्ति के साथ में सीट पर बैठ रही थी। उसने उनको अपने पास बैठने से मना कर दिया क्योंकि वो रंग के आधार पर भेदभाव करते थे। रोजा पार्कर अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, उनको अश्वेत माना जाता था। तो इसके बाद इस असमानता को लेकर एक मूवमेंट हुआ, आंदोलन हुआ, जिसे कहा गया नागरिक अधिकार आंदोलन या सिविल राइट्स मूवमेंट। और ये लंबे समय तक चला और इसमें जो है असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया। तो ये समस्या वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में है असमानता की, और सरकारें उनको कम करने के लिए विविध तरह के प्रयास करती हैं, जैसे कि भारत में भी किए गए हैं। फिर भी व्यक्तिगत तौर पर बहुत सारी ऐसी असमानताएं देखने के लिए अभी भी मिलती हैं। जैसे हमारे भारत में तो समानता का अधिकार बनाया गया, अनुच्छेद 15 के कुछ अंश दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। उन्हें किसी भी सार्वजनिक स्थल यानी कि दुकान, भोजनालय, रेस्टोरेंट और पिक्चर हॉल या तालाब हैं, कुएं हैं, सड़क हैं, उनको इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। सब बराबरी का अधिकार रखेंगे इनके इस्तेमाल में। अगर किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति भेदभाव करता है तो उसको जो है सजा भी दी जाएगी। अब लोकतंत्र में और बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं असमानता को देखते हुए। जैसे चित्र में ये बच्चा है, इस बच्चे को दो व्यक्ति सहारा देके ले जा रहे हैं, तो ये बच्चा जो है दिव्यांग है। हमारी किताब में विकलांगता शब्द दिया है, लेकिन अब इसके लिए दिव्यांग इस्तेमाल किया जाता है। तो अक्सर क्या होता है समाज में, जो बच्चे दिव्यांग होते हैं
उनको भी, उनके साथ भी नफरत की जाती है या उनको जो है अपने समान नहीं माना जाता, भेदभाव किया जाता है। तो भारत सरकार ने 1995 में एक अधिनियम पारित किया, विकलांगता अधिनियम। उसके अनुसार ये कानून बना कि समाज में किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को शिक्षा में और दूसरे स्थानों पर जो है सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि उनको मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। मुख्य धारा का मतलब है कि सभी व्यक्तियों के समान उनको जीने का अधिकार हो, जो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति हैं उनकी तरह से। तो उसके लिए सरकार ने जो है बहुत सारे प्रयास किए। जैसे सरकार ने मान लीजिए ब्लाइंड लोग होते हैं, उनके लिए एक अलग लिपि की व्यवस्था की गई है। इसके बाद जैसे मान लीजिए सार्वजनिक स्थल होते हैं, वहाँ पे उनको व्हीलचेयर प्रोवाइड कराई जाती है और सीढ़ियों की जगह रैंप की व्यवस्था की जाती है, अब यह अनिवार्य हो चुका है। और उनके लिए एक विशेष तरह की टाइल्स लगाई जाती हैं, जैसे ब्लाइंड लोग हैं उस पे पहचान के वहाँ चल सकें। तो ऐसी चीज़ें हम जो हैं रेलवे स्टेशन और जो जैसे मेट्रो हैं या दूसरे स्थान हैं वहाँ पर देख सकते हैं। ये सब चीज़ें अनिवार्य कर दी गई हैं कि ये चीज़ें, ताकि उनको इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो इस तरह से समाज में समानता लाने के विविध प्रयास किए जाते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत तौर पे असमानता देखने के लिए मिलती है।